नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे मुंबई हाई कोर्ट में डाली हुई ठाकरे परिवार के खिलाफ याचिका पर। जी हाँ, गौरी भिड़े नामक एक सामान्य नागरिक ने जो है तकरार किया है मुंबई हाईकोर्ट में। हालांकि उन्होंने पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर को तकरार किया था कि ठाकरे परिवार की जो संपत्ति है और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके पास जो अकूत पैसे हैं, उनके धन है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो भिड़े परिवार ने जो है मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया और मुंबई हाईकोर्ट ने इसको सीरियस लिया है और अब जो है यह मामला जो है शायद आगे बढ़ सकता है। हालांकि भिड़े, गौरी भिड़े जो याचिकाकर्ता है, एक सामान्य नागरिक होने नाते जो इस तरह से कदम उठाया है, उसकी सुरक्षा, उसका सुरक्षा के लेके भी विषय उठ रहा है, उसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सामान्य नागरिक अगर इस तरह का याचिका दाखिल कर सकता है तो हर पार्टी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी के लोगों के पास अगर देखा जाए तो चाहे कोई भी पार्टी आप देख लीजिए, रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी है, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी संपत्ति अचानक जो है चुनाव लड़ने के बाद अचानक उनकी संपत्ति डबल ट्रिपल या उसका कोई गिनती न हो ऐसा संपत्ति हो जाती है और उसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जिस तरह से ईडी सीबीआई लोगों के दिमाग में बैठ रहा है कि हाँ ये भी संस्था जो है इस बड़ी बड़ी जो लोग जो हैं उनको इनकी जांच में ला सकते हैं और इनको जांच पड़ताल में अगर जो लोगों का लूटा हुआ जो प्रॉपर्टी है, लूटा हुआ जो पैसे है वो बाहर आना चाहिए, लोगों को जानकारी, कम से कम जानकारी मिलनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, आखिर में इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है और लोगों के सामने आनी चाहिए। जांच का जो रिजल्ट है लोगों के सामने आना चाहिए और बहुत अच्छा कदम उठाया है गौरी भिड़े ने। हालांकि इसके पीछे उद्देश्य क्या है ये तो आगे मालूम पड़ेगा या नहीं मालूम पड़ सकता, लेकिन जो इन्होंने कदम उठाया है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और अब इसका जो आज का हियरिंग भी है इसका बुधवार को। इसके पहले भी जो है भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सुमैया ने भी जो है रश्मि ठाकरे के खिलाफ जो है काफ़ी जांच पड़ताल का विषय उठाया था, जिसमें उनका कहना था कि रायगढ़ अलीबाग में रायगढ़ के पास उनके काफ़ी बंगले है, काफ़ी संपत्ति है, काफ़ी प्रॉपर्टी है, उसकी जांच उन्होंने कराया भी, कुछ हद तक उन्होंने उसमें सफलता भी पाई थी, लेकिन उसका विषय धीरे धीरे कम होते गया। लेकिन अभी नया विषय जो आया है मुंबई हाईकोर्ट में ठाकरे के खिलाफ, ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ा जांच का विषय। अभी सवाल ये उठता है कि क्या इसकी जांच होगी या जांच में कुछ निकल पाएगा, क्योंकि ये बात सही है कि आदि ठाकरे जो है कुछ किए नहीं, लेकिन उनके नाम पे देखा है तो जब उन्होंने विधानसभा, वरली विधानसभा से जब वो नामांकन भर रहे थे तो करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने दिखाई थी, करोड़ों का बैंक बैलेंस भी दिखाया था, बड़ी नाम ब्रांड की गाड़ियां दिखाई थी, तो ये सब कहाँ से आया, क्या उनका उन्होंने कोई कंपनी स्थापित की है या कुछ ऐसा है, इस लोगों को मालूम होना चाहिए। देखा जाए तो भ्रष्टाचार जो चला आ रहा है पॉलिटिक्स में, भ्रष्टाचार ये लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है किस पार्टी वोट दें कि जो भ्रष्टाचारी न हो। और लोगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई का, ये करप्शन करके जो महंगाई बढ़ रही है ये बहुत बड़ा विषय है और इसका जो है जांच जो है सामने आना चाहिए। हालांकि खाली ये मुद्दा उठा के नहीं हो, इसका कुछ हल नहीं होने वाला है, लेकिन इसका जांच पड़ताल जो है सीबीआई, बड़ी बड़ी एजेंसी जो है सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, ईओडब्ल्यू है, इन सब के पास आना चाहिए। और जब आखिर में शिकायत जब दर्ज हुई है तो इसके पीछे ज़रूर कुछ राज होगा और कुछ इसका जो जानकारी है लोगों के सामने आनी चाहिए। खास मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि ठाकरे परिवार का ही आना चाहिए, हर पार्टी से जुड़े हुए लोग जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। बड़े बड़े लिस्ट निकलते हैं, स्विस बैंक में इतने खाते हैं, स्विस बैंक के उतने खाते हैं, इन इनके नाम भी लिस्ट में आते हैं, लेकिन वो कितना सही है कितना गलत वो भी सही जानकारी नहीं होती है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से चलते हैं, देखा है सोशल मीडिया पर जिस तरह से आंकड़े आते हैं उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर इसमें बात है कि स्विस बैंक में जो इतनी बड़ी अमाउंट जो देश से जा रही है और उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, विदेशी ताकतें उस पैसे का इस्तेमाल करती है, तो इस तरह से देश का एक तरह से खोखला होते जा रहा है। और आज देखा जाए तो
जो हम कहते हैं कि हर नेता जो है अपने बच्चे को जो है अपने बेटे को या बेटी को जो है लॉन्च करते हैं, उनको विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मेरे लगता है ये सब के पीछे यही सब राज होता होगा कि इससे बड़ा नौकरी तो नहीं किसी को, इससे बड़ा बिजनेस तो कोई नहीं कर सकता जिसमें मान सम्मान हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, अकूत पैसा हो, कई पीढ़ियाँ उनकी जो है उसमें मतलब अमीर बन जाती है। तो मेरे लगता है यही सब विषय लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यही सब कारण है कि लोग हर नेता का बेटा जो है वो भी नेता होना चाहिए, हर नेता जो मंत्री है अपने बेटे को मंत्री ही बनाना चाहेगा, क्योंकि उससे अच्छा तो मेरे ख्याल से देश में न कोई बिजनेस चल रहा है, न कोई इससे बड़ा कोई भी आमदनी का जरिया तो नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे ही कोई मंत्री नेता बनता है भी मंत्री बनता है, फिर वो पावर में आता है तो किस तरह से लोगों काम करने के लिए भी किस तरह से पैसे का हेर फेर होती है, ये भी सबको मालूम, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। आज हर काम के लिए अगर मंत्रालय में कोई जाता है, हर काम के लिए कोई अपने जनप्रतिनिधि के पास जाता है, सबसे पहले देखता है कि वो कितना बड़ा आदमी है, क्या करना चाहता है, कितना पैसा दे सकता है। आज हम देखा जाए तो सरकारी नौकरी में भी पोस्टिंग के लिए कितनी बड़ी अमाउंट का रकम हेर फेर होता है, ये भी सब हर किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सबको पता है, लेकिन कोई सामने नहीं आता है क्योंकि उसको अपनी पोस्टिंग जिसमें जितना पैसे पोस्टिंग हिसाब से निकलते हैं उस हिसाब से पैसे उसका टेंडर होता है, लेकिन वैसे ब्लैक मनी में होता है लेकिन सामने नहीं आता है। आज अगर देखा जाए तो पुलिस विभाग में भी कितने करप्शन होते हैं, वो करप्शन इसलिए करते हैं कि उनको पोस्टिंग के लिए इतने पैसे दे के आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उसको अगर मनचाहा जहाँ से कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन लाखों में नहीं करोड़ों में होता है, उस पोस्टिंग को पाने के लिए वो कई करोड़ दे के तब वहाँ पर अपना ड्यूटी लगवाता है, और वो अगर उसने उसका उसको 2 करोड़ दे के अगर वो वहाँ पर आता है तो कम से कम 10 करोड़ उसका वसूली करता होगा। एक किसका सामान्य नागरिक से ही वसूली होता है, ट्रकों से वसूली होती है, वो ट्रक वाला क्या करेगा, सामान के ऊपर जो ट्रांसपोर्टिंग खर्चा होता है उसके ऊपर लगा देगा कि हमारा यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टिंग जाने में इतना खर्चा होता है, अगर यहाँ से यहाँ जाऊँ तो जो चीज़ जो भाड़ा जो है हम 2000 में प्रिफेयर कर सकते हैं उसका वो 5000 ले लेता है, क्योंकि उसको कहता है कि हम यहाँ से यहाँ जाने में हमको यहाँ पैसा इतना एक्स्ट्रा देना पड़ता है, यहाँ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है जड़ में फैली हुई है, इसको निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। हालांकि मोदी जी ने कई बार कहा है कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन मोदी जी का नारा ये तो शायद ही सक्सेस हो, क्योंकि मोदी जी नहीं खाएंगे लेकिन बाकी लोग तो इनके नीचे जो हैं वो तो आप देख ही रहे हैं सब। आपका छोटे से काम के लिए अगर कहीं जाएंगे आपको कितने पैसे देने होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। हम तो यही कहेंगे कि जो जिस तरह की CBI जांच अगर बैठाई जाए तो इसकी पूरी जड़ से जांच होनी चाहिए। आज देखा जाए तो MBA सरकार के 3-3 लोग जो है जेल में हैं, जैसे अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर थे, ये बड़ी शर्म की बात है कि महाराष्ट्र का एक होम मिनिस्टर जेल में है, मतलब पोस्टिंग में रहते हुए जो जेल में जाना है कितनी शर्म की बात है। दूसरा ये नवाब मलिक, वो भी प्रॉपर्टी विवाद में ही गए हैं कि उनका दाऊद जैसे खूंखार गैंगस्टर से उनका रिश्ता है उस मामले में गए हैं। ये अपना संजय राउत, ये भी दिखाए तो करप्शन में ही अंदर गए हैं, मतलब पतरावाला चाल एक तरह से भ्रष्टाचार ही है। तो इतने चीज़ें सब आने के बाद भी अगर इसके जड़ से इसका जो जानकारी अगर सामने ना आए तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये आनी चाहिए क्योंकि कितने बार आरोप लग चुके हैं, 100 खोखे जो है महीने का टारगेट, ये कितनी शर्म की बात है सरकार के लिए भी, और जो हम वोट देते हैं जैसे हमारे सामान्य लोग जो है वोट देते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम किसको जिता रहे हैं किसको हरा रहे हैं, ये तो उनके हाथ में है। लेकिन जो भी सत्ता में आता है, जो भी जनप्रतिनिधि जीत के आता है, उसका आदत वही हो जाती है कि हम अगला चुनाव हमको लड़ना है तो हमको कम से कम 50 करोड़ या 100 करोड़ खर्चा करूंगा तभी जीत पाऊंगा, नहीं तो मैं इतने बड़े बड़े पैसे वालों के सामने तो हार जाऊंगा। ये जो पैसे का जो व्यवहार चल रहा है इस तरह से ब्लैक मनी, और आज की तारीख में पैसे के पीछे ही लोग भागते हैं जिस तरह से आज के एक नगर सेवक, मामूली नगर सेवक के पास अगर 100 आदमी नहीं है तो वो नगर सेवक के लायक नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि लोगों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि पैसा भी चाहिए और पावर भी चाहिए और लोग भी चाहिए, लेकिन लोग तब आएंगे जब उनके पीछे आप खर्चा करोगे।
अगर आप सामान्य अगर नेता बन के रहोगे तो आपके पीछे भी कोई नहीं रहेगा और अगले चुनाव में आप बुरी तरह से हार जाओगे, किसका कोई गारंटी नहीं है। तो सिस्टम जो है आम आदमी से ही सिस्टम बनता है, आम आदमी से ही सिस्टम बिगड़ता है। हाथ हमारे हाथ में सब कुछ है लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और इसकी जो इसका हल जो है निकलना चाहिए जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे पास हम चाहेंगे कि आप लोग भी कमेंट में हमें सुझाव दीजिए कि जो जानकारी है लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। हमारा जो चैनल है मुद्दा भारत का, ये मंत्रालय में भी देखा जाता जा रहा है और बड़े बड़े नेता लोग भी, उनके लोग भी इस चैनल को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह की चर्चा हो रही है, क्या चर्चा हो रही है, तो उनको भी खबर तो लगता ही है। तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने कमेंट्स हमें भेजिए, उस कमेंट पर भी मैं चर्चा करूँगा। और क्या आपको लगता है कि नेताओं की जो प्रॉपर्टी या उनकी जो सोर्सेस, जो इनकम सोर्स है, उसकी जानकारी आम लोगों को होनी चाहिए, तो हमें आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और ठाकरे परिवार की जांच हो रही है, और भी किन लोगों की जांच होनी चाहिए ये सब हमें बताइए, तो हम इसकी चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि जो है इस पर और भी जैसे गौरी भिड़े जैसे लोग और भी सामने आवें, सामान्य लोग, और जो है लोगों के खिलाफ जो है याचिका दाखिल करें, क्योंकि जब तक शिकायत नहीं दर्ज होता तब तक कोई चीज़ बाहर नहीं आता है। ये बात अलग है कि उसके ऊपर दबाव भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, ये तो नेता लोग हैं तो इनके पास पैसे होते हैं, बहुत लास्ट स्टेज तक जाते हैं कि हमारे खिलाफ़ कुछ ना हो। लेकिन अब हर किसी को जो है न्यायालय के ऊपर जो है विश्वास है, और हम चाहेंगे कि उसका जो सही जानकारी है लोगों के सामने आवे। तो हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।